नमस्कार। हम सब हिंदी के प्रेमी ये मानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो वास्तव में संविधान में भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा मिला हुआ है। फिर भी हिंदी तर प्रदेश में ही ये राष्ट्रभाषा शब्द ज्यादा प्रचलित है। कारण भावनात्मक रूप से हिंदी तर भाषा भाषी हिंदी को चाहते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ही कहते हैं और राष्ट्रभाषा के स्वरूप में ही उसको देखना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से जब हिंदी तर प्रदेशों में हिंदी के प्रति जो प्रेम है, तो वो प्रेम मैं कहना चाहता हूँ बहुत अगाध प्रेम है, मतलब गहरा प्रेम है। तो इस प्रेम की वजह से सदियों से हिंदी सर्जना हिंदी तर प्रदेश में होती ही रही है। तो आज हम हिंदी एमए हिंदी बीए के जो भी पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, तो उन पाठ्यक्रमों में मूलतः, क्योंकि मैं मूलतः एमए और बीए हिंदी को ही इसलिए कहना चाहता हूँ, को जो भी पाठ्यक्रम हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें अधिकांश प्राथमिक और जो हाई स्कूल स्तर पर जो पढ़ाया जाता है उसमें कहीं हिंदी प्रदेश के ही लेखकों की कुछ रचनाएं होती है। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जब हिंदी साहित्य की रचनाएं पढ़ते हैं, तो जैसे मध्यकालीन साहित्य को पढ़ते हैं और आधुनिक साहित्य को पढ़ते हैं, उसमें 99% मैं कहना चाहूंगा 99% से ज्यादा केवल हिंदी के लेखकों की रचनाएं ही पढ़ाई जाती है। होना ये चाहिए कि हिंदी तर प्रदेश बहुत व्यापक है, जितना हिंदी प्रदेश है उससे ज्यादा हिंदी तर प्रदेश है। जब अखिल भारतीय स्वरूप को लेकर हिंदी भाषा की चर्चा हम करते हैं, निश्चित तौर पर समूचे भारत में अलग अलग प्रदेशों में जो भी रचनाकार हिंदी में सर्जना की है, तो उनकी रचनाएं उसमें लेनी चाहिए और उन प्रवृत्तियों के आधार पर उनको वहां वहां, उदाहरण के लिए हम भक्ति साहित्य को पढ़ते हैं, तो वहां भक्ति साहित्य का मतलब केवल भक्तिकालीन साहित्य नहीं है, उसमें और भी जोड़ा जा सकता है। विशेषकर जैसे स्वाति तिरुनाल को ले लीजिए, स्वाति तिरुनाल की सर्जना जो है तो उसमें अवधि और ब्रज में उनके पद है, और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति उसमें दर्शनीय है। तो जब हम भक्तिकालीन रचनाओं में केवल हिंदी प्रदेश में बैठकर लिखने वाले हिंदी साहित्यकारों तक सीमित ना होकर, तो हिंदी तर प्रदेश में भी जो सर्जना हुई है उसको जोड़कर यदि पढ़ाया जाता है, निश्चित तौर पर तो छात्रों की दृष्टि विकसित हो जाती है। साथ ही साथ हम जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, तो वो भारतीय संस्कृति किसी एक राज्य या एक प्रदेश की संस्कृति नहीं है, उसका एक अखिल भारतीय स्वरूप है। तो इस अखिल भारतीय स्वरूप को हिंदी प्रदेश में बैठकर जो हिंदी की सर्जना की है उसमें वो अखिल भारतीयता, मतलब उसकी सामासिकता उसमें दर्शनीय नहीं होती। हम संविधान में जिस सामासिक संस्कृति के विकास की भाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने की जो बात हम कर रहे हैं, उस दृष्टि से और राष्ट्रभाषा के रूप में जो अवचेतना तो हिंदी तर प्रदेशों में हिंदी प्रेमियों में भरी हुई है, तो उसको हम विकसित होते देखने के लिए निश्चित तौर पर हिंदी प्रदेशों में हिंदी तर प्रदेशों में जो जो रचनाएं सर्जित हुई थी, तो उनको हम तो एक मतलब उसके प्रति हमें दायित्व महसूस करते हुए उनको भी जोड़कर तो हिंदी साहित्य का अध्यापन अध्ययन होना चाहिए, ये मेरा विचार है। तो इस विचार में तो सचमुच बात यह है कि केवल हम हिंदी प्रदेश की रचनाएं वैसे पढ़ा रहे हैं आजकल, तो उसमें हिंदी तर प्रदेश के विद्यार्थियों में ये चेतना नहीं आ रही है कि हम भी हिंदी के लिए सर्जना करें। तो जो हिंदी तर प्रदेश के सर्जक थे, तो उनसे निश्चित तौर पे आज प्रेरणा जरूर मिलेगी और उससे अच्छे लेखक बन पाएंगे, क्योंकि आज आप मनुष्य की जो सर्जना होती रही उसके बीच में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कोई आज कविता लिखना है तो बस विषय दे दीजिए आपको चैट जीपीटी लिख के, हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख के चैट जीपीटी दे रहा है। तो आज मतलब मौलिक सर्जना कैसी होगी, तो इसको लेकर एक बहुत सबसे बड़ी मतलब तो स्थिति ऐसी आ रही है सामने, लोग ये नहीं मानेंगे कि कोई सर्जक है। तो हम ऐसी स्थितियों के बीच में हिंदी के विद्यार्थियों को जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें हिंदी तर प्रदेश की सर्जना को भी जोड़कर यदि हम पढ़ाएं, निश्चित तौर पर हिंदी तर प्रदेश के विद्यार्थियों में तो वहां के रचनाकारों की सर्जना के सर्जना की चेतना आ जाएगी, और साथ ही साथ वे भी सर्जना करेंगे, और जिससे हिंदी का जो अखिल भारतीय स्वरूप है और समूचे भारत की संस्कृति को विकसित करने की दृष्टि या समूचे भारत को प्रतिनिधित्व करने वाली
भाषा के रूप में हिंदी की सृजना हर प्रदेश में अभी भी जारी रहे। इस दृष्टि से हमें जरूरी है कि हम ऐसी रचनाओं को भी पाठ्यक्रम में जोड़े, कम से कम उनका एक 10-20% होना जरूरी है, तो ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद।